अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखा हुआ है। कटी हुई प्याज है, चॉप की हुई, ये अदरक और लहसुन पेस्ट किया हुआ है, और इसके बाद हमारे पास ये कुटी हुई मिर्ची है, कुटी हुई धनिया है गोल, और ये है ज़ीरा। इसके साथ ही हमने हिमालयन नमक रखा हुआ है, मिर्ची आदि काट के रखी हुई है, ग्रीन मिर्ची और अदरक भी काट के रखा हुआ है, गार्निश के लिए, गार्निश के लिए रखा हुआ है। और यहाँ काली मिर्च है, और ये भुना हुआ ज़ीरा अलग से रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने रखा है तकरीबन 5-6 टमाटर चॉप करके रखा हुआ है, छोटे छोटे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज, अब ये स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें आप पहले हम 1 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल डालेंगे, एक कप ऑयल हमने डाल दिया है, तो इसको गरम थोड़ी देर रखना है, इसके अंदर थोड़ा चिकन थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये चिकन पहले से ही काट के रखा हुआ है, तकरीबन किलो करीब, तकरीबन किलो किलो सवा किलो और मीडियम साइज टुकड़े करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो कि हमने मीडियम पे रखा हुआ है ना, या धीमी आंच पे है, मीडियम पे रखा है। इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, ये हिमालय सॉल्ट डाल रहे हैं थोड़ा सा, चूल्हा भी तेज करके थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं। जैसे स्टॉप करने कर लेते हैं, चिकन फ्राई हो गया तकरीबन 5-7 मिनट। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन और अदरक ताज़ा रखा हुआ था वो हम मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर और हिलाते रहेंगे ताकि मसाला सही तरीके से हर चिकन के धोती में। अब ये हम एक बाउल में अलग से डाल रहे हैं, हमने चिकन को एक बाउल में निकाल लिया है अलग से। अब ये प्याज कटी हुई है हम डाल रहे हैं, अभी प्याज को थोड़ा हम लोग अभी प्याज सॉफ्ट कर लेते, डालने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते प्याज को। प्याज थोड़ा सा
फ्राई करने के बाद हल्का सा हम टमाटर चॉप किया हुआ था वो हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा कटा हुआ जो रखा हुआ था, कुटी हुई मिर्ची और धनिया सा। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं तकरीबन टू टी स्पून डाल दिया नमक, डाल दिया छोटे 2 स्पून नमक डाल दिया। इसको अब मिला रहे हैं अच्छी तरह। टमाटो को गलने के लिए रख देते हैं टमाटो को। ये मसाले के साथ टमाटर भुन गया है, ऑलरेडी पक गया है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो फ्राई करके अलग से रखा हुआ था, वो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसको हल्का सा हिला कर रहे हैं ताकि सारा मसाला चिकन की हर एक रोटी में लग जाए। इसको ढक के 15 मिनट के लिए इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको धीमी आंच पर। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब काली मिर्च इसी की छीट रहे हैं हम, और एक जीरा भुना हुआ जीरा है वो हमने ऊपर थोड़ा सा डिश आउट मिला देते। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके बताएंगे कैसा हुआ। हम ये सर्व कर रहे हैं और इसको टेस्ट करते हैं कैसा हुआ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा खुशबू है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहतरीन खुशबू आ रही है और टेस्ट भी लाजवाब है। नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए डिश के साथ।